हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमने बिजनेस स्टडीज़ का क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था पूनम गांधी से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तक करा दिया था। आज इसके हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसका वन टाइम फीस पर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। अगर आपको वो ज्वाइन करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि मेरे से कोई डाउट वगैरह पूछने के लिए। और अगर आपको TS ग्रेवाल के सॉल्यूशन वगैरह चाहिए और अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू अकाउंट्स, उसके लिए सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, आज हम पढ़ने वाले इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन टॉप पोजिशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, वो एक अपने टॉप पर पहुंच जाती है, टॉप पोजिशन पर पहुंच जाती है, उसका तो रीज़न यही है कि उसने अपनी जो मैनेजमेंट की है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की करी है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस। जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो लक बाई चांस से नहीं अचीव करती टारगेट, वो उनको एक डेलिबरेट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स। और अगर आपने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कराया है तो इससे आपकी टाइम की वेस्टेज होगी, मनी की वेस्टेज होगी और एफर्ट्स की वेस्टेज होगी। मोस्ट ऑफ बिजनेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। काफ़ी सारे बिजनेस फेल भी हो जाते हैं पुअर मैनेजमेंट की वजह से। तो कहा जाए कि मैनेजमेंट एक लाइफ गिविंग एलिमेंट है बिजनेस में। मैनेजमेंट क्या होता है आई होप ये आपको मालूम होगा। विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शन। इसके बिना जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज ही रह जाते हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पाता उनसे, ठीक है ना। तो अब इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। अगर हमारा मैनेजमेंट नहीं है तो कोई भी बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर सकता। तो क्या क्या फीचर्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमारी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है और जो आपकी कंपनी है उसका भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, उनके भी ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं और आपकी कंपनी के भी ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं, ऐसे कोऑर्डिनेट करवाती है। मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट क्या करती है, जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं उन सबका जो डायरेक्शन है वो एक ही एफर्ट में जाएगा जिससे कंपनी का गोल भी अचीव हो जाए और उनके पर्सनल गोल भी अचीव हो सकें। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारा मैनेजर होता है वो ट्राई करता है कि वो कम से कम खर्चा करें और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें बिना किसी रिसोर्सेज को वेस्ट करें। इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी, जिसको लैंग्वेज में कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क थ्रू प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। ये आपको मालूम है हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है, फंक्शंस होते हैं, तो मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर वर्क करता है। थर्ड आपका इम्पोर्टेंस है, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन थर्ड फीचर है, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस। हमारी कंपनी को अगर आगे के लिए सर्वाइव करना है, मार्केट में बने रहना है, तो आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपने बिजनेस को चेंज करते रहना पड़ता है। द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज। यानी कि जितने भी कंपनीज में एम्प्लॉय होते हैं वो चेंज के आदी होते हैं, उन्हें मालूम है जैसा चेंज आएगा वो अपने आप को उसमें ऐसा एडॉप्ट कर लेंगे। एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू एडॉप्ट चेंजेस विलिंगली बाय कन्विंसिंग देम दैट चेंज इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन बट इट इम्प्रूव द एम्प्लॉय वर्क ऑल्सो इन द कम्पिटिटिव मार्केट। जो हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि भाई ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसको आप एडॉप्ट करो,
आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, बिजनेस के लिए भी फ़ायदेमंद है, और आगे अगर कंपटीशन वाला मार्केट आता है तो हम उसमें भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एन एफिशिएंट मैनेजर इज़ द वन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा एम्प्लॉयर का भी करवाए और एम्प्लॉय का भी करवाए। मैनेजर लीड द पीपल इन सच ए मैनर डेट अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉय इज ऑल्सो अचीव। जैसे मैंने सबसे फर्स्ट वाला फीचर बताया था कि मैनेजर इस तरीके से काम करता है कि एम्प्लॉय का भी जो गोल है वो भी अचीव हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो भी अचीव हो जाए। सर कैसे? मान लीजिए सारे जितने भी एम्प्लॉय कंपनी में काम करते हैं उन सबका टारगेट क्या होता है कि हमें अच्छी सैलरी मिले। मालिक आया या मैनेजर आया, उसने कहा कि अगर आप लोग मेरा ये टारगेट इस डेट तक कर दोगे तो मैं आपको 10% सैलरी एक्स्ट्रा दूंगा। तो अब जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका टारगेट क्या बन गया कि काम को टाइम पर करना है क्योंकि 10% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, और काम को टाइम पर करेंगे तो कंपनी का भी काम हो रहा है। तो इस फीचर का मतलब यहाँ पर ये है। फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, दे गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल सच एज एम्प्लॉई कस्टमर सप्लायर। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट के पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देते हैं सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन मतलब समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, अलग अलग ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज, हमारे कस्टमर, हमारे सप्लायर। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स कम्पिटिटिव सैलरी, यानी मतलब कि वही है जो हमने पिछले ऑब्जेक्टिव से पढ़ा था, वही सारी चीज़ इसमें आ रही है। तो यहाँ पर बात हो गई सारी मैनेजमेंट के फीचर्स की। देन उसके बाद आपको अच्छी सी केस स्टडी भी दे रखी है प्रैक्टिस के लिए। आता है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सम ऑथर रिगार्ड मैनेजमेंट एज साइंस। कुछ ऑथर्स ने कहा है कि मैनेजमेंट साइंस है बिकॉज दे आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इसके जो बनाए हुए प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया है, टेस्ट किया गया है। कुछ ऑथर कहते हैं कि आर्ट है क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, और कुछ कहते हैं कि प्रोफेशन है। टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस आर्ट और प्रोफेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर एंड मीनिंग ऑफ साइंस। ये पता करने से पहले कि मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है, हमें इन सब के बारे में जान लेना चाहिए। तो सबसे पहला, मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। साइंस एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज बॉडी है जिसकी जो नॉलेज होती है वो बेस्ड होती है किसी लॉजिक पर, या फिर ऑब्जर्व किया है, फाइंड किया है, फैक्ट है या इवेंट है। साइंस कंप्राइजेज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल विच कैन बी वेरीफाइड एंड कैन बी इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं और वो कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपकी अपने पक्के दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो व्हाट्सएप पर डीपी हट जाएगी, सैड वाले स्टेटस लग जाएंगे, आप समझ सकते हो कौन से दोस्त की बात हो रही है। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सबसे पहला, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस में अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए तो उसके लिए एक अच्छे खासे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जहाँ से आप उसकी नॉलेज ले सकते हैं। जैसे ही साइंस में है वैसे ही मैनेजमेंट में भी काफ़ी स्टडी मटेरियल है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना मैनेजमेंट, ये कहाँ अवेलेबल है? बिजनेस की बुक में अवेलेबल है। तो पहला फीचर आप कह सकते हो साइंस में प्रेजेंट है और मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। दूसरा, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो डेवलप करे जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं और उन पर बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बट Since management deal with human being and human behavior cannot be accurately predicted, management के भी जितने principle हैं वो भी observe किए जाते हैं, वो भी experiment किया जाता है, लेकिन management में हमें इंसानों में deal करना पड़ता है, human being में deal करना पड़ता है, और human being का जो nature है वो कभी भी predict नहीं किया जा सकता। तो ये feature आप कह सकते हो कि partially present है, ठीक है ना।
क्योंकि मैनेजमेंट हमारी प्योर साइंस नहीं होती, इन एग्जैक्ट साइंस होती है, या आप कह सकते हो सोशल साइंस होती है। थर्ड फीचर आता है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, साइंटिफिक के जितने। फिर थर्ड फीचर है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी में क्या होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, साइंटिफिक प्रिंसिपल जितने भी होते हैं उन वो एक बार जब बन जाते हैं तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसे डील करना पड़ता है अपने डायनेमिक फंक्शन के हिसाब से, टाइम टू टाइम वो चेंज करते रहते हैं। तो ये फीचर आपका साइंस में तो है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। अब बात आती है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट कैन बी डिफाइंड, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसके लिए आपको स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। इसके मेन फीचर सबसे पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ये आपको मालूम ही है कि अगर आर्ट में आपको किसी भी तरीके की नॉलेज ली है तो अच्छे खासे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं और मैनेजमेंट में भी अवेलेबल हैं। तो ये फीचर आपका आर्ट में भी होता है और मैनेजमेंट में भी होता है। नेक्स्ट बात करी जाए पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ। आर्ट के फील्ड में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आपके पास है तो उससे काम नहीं चलेगा। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। हर आर्टिस्ट के पास अपनी एक पर्सनल स्किल होती है, क्रिएटिविटी होती है, ताकि वो अपने नॉलेज को अप्लाई कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि छक्का मारो क्रिकेट वाला, तो सबका मारने का स्टाइल अलग होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई बैट कैसे पकड़ेगा, कोई किसी तरीके से पकड़ेगा, कोई किसी तरीके से पकड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सेम प्रॉब्लम अगर 10 लोगों को होती है तो उनको डील करने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो उसको हम कहते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो ये फीचर आपका आर्ट में भी है और मैनेजमेंट में भी है। तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है अपनी आर्ट को निखारने के लिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता। आर्ट रिक्वायर क्रिएटिव प्रैक्टिस, आर्टिस्ट मस्ट एड हिज क्रिएटिविटी टू द थ्योरेटिकल नॉलेज। ऐसे ही हमारे मैनेजर को भी काम करना पड़ता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से। तो आप कह सकते हो कि आर्ट के तीनों फीचर मैनेजमेंट में भी हैं और आर्ट में भी है। ठीक, अब ये लाइन आती है बोथ साइंस एंड आर्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस के कौन से फीचर मैच करते हैं और आर्ट के कौन से फीचर मैच करते हैं। अब तीसरा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलिस्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। प्रोफेशन एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और जहाँ पर जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। एंट्री का मतलब आपको कुछ टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं। सबसे पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो भी प्रोफेशन CA, CMA, CS, डॉक्टर, ये सभी पेशे से प्रोफेशन कहलाते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उन्हें उस डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर होता है उसे मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज होती है। तो ये फीचर दोनों में है। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। प्रोफेशन अगर आपको कोई चूज़ करना है तो उसमें शुरुआत में आपको कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ेगा। अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज डॉक्टर ओनली व्हेन ही हैज़ हैविंग MBBS डिग्री। एक डॉक्टर जब ही अपना प्रैक्टिस कर सकता है जब उसके पास MBBS की डिग्री है। वेयर एज देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। लेकिन मैनेजर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फीचर आपका प्रोफेशन में है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी हमारे प्रोफेशंस होते हैं उन सबके ऊपर एक स्पेशल एसोसिएशन होता है जो इनको रजिस्टर्ड करता है और उनके हिसाब से उन्हें काम करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स के ऊपर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स के ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा क्रिकेटर के ऊपर BCCI, CA के ऊपर ICAI। लेकिन मैनेजमेंट में भी ऐसा है, मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी ऐसी एसोसिएशन है लेकिन अभी वो सब जगह लागू नहीं है। तो इसीलिए ये फीचर आपका प्रोफेशन में है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इथिकल कोड। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ इथिकल कोड फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशनल।
जितने भी हमारे प्रोफेशन होते हैं इनके कुछ इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको आपको तोड़ना नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकते, क्रिकेट छोड़ो बिग बॉस तो सब देखते होंगे, हाथापाई नहीं कर सकते, तो इनको इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनका बेसिक मोटिव होता है क्लाइंट्स को सर्व करना, डेडिकेशन, सर्विस देना। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये फीचर भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट में नहीं, यानी सिर्फ एक मैच करता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन सा फीचर नेचर ऑफ मैनेजमेंट के साइंस में आता है, मैनेजमेंट में आता है, कौन सा आर्ट में आता है, कौन सा प्रोफेशन में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से। अब तक की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, कमेंट में, जहां पूछना चाहें पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।